साइज टू, चैप्टर नंबर फाइव फैक्ट साइज टू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स देन फाइंड देयर एचसीएम। पहले हम इसके फैक्टर निकालें। सबसे पहले 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो आएगा ही, इवन नंबर है तो 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 4 5 20, 5 4 20, फिर किसकी में आता है? 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है। 10 2 20 हो गया ना, इसलिए सीधा 20 में आएगा। 45 1 में तो आएगा, लेकिन 3 में आएगा, 2 में आएगा नहीं, क्योंकि ये ओड नंबर है। इवन नंबर होता तो 2 में ऑब्वियसली आता। अभी 5 प्लस 4 9, इसलिए 3 में भी आएगा, 4 में नहीं आएगा क्योंकि ओड नंबर है, 5 में आएगा यस, फिर 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, 10 में आएगा नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में यस, 15 3 45। देखो 9 5 45, 15 3 45, और 45 5 45। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 5, ओके। अब HCF निकालना है। HCF मतलब जो बड़ा है, बड़ा कौन है? 5 आ गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। पहले 16 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 2 16 आ गया ना, 2 आते ही डायरेक्ट अब 16 में आएगा। अब 56 देखते हैं, 1 में आएगा, इवन नंबर है तो 2 में भी आएगा, 3 के लिए डिजिट प्लस करो, 6 प्लस 5 11, नहीं आएगा, 4 में आएगा यस, 4 1 4 एंड 4 4 16, ओके। 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा, 7 8 56, 8 7 56। अब देखो 7 8 56, 8 7 56, 14 4 14 के टेबल में कितनी बार बोलने पर आता है? सॉरी यहाँ पे 4 था, 4 के टेबल में कितनी बार बोलने पर आता है? 14 टाइम्स। 2 के टेबल में कितनी बार बोलने पर आएगा? 2 2 4 एंड 2 3 2 8 60, और अब सीधा 56। अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 4 8, तो कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? 1 2 4 8, तो HCF कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा है, यानी कि 8। इस वजह से इसका सी करेंगे। 36 एंड 60, 36 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4, 4 9 36, 6 6 36। अब 6 के टेबल में आ गया, 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की में आता है। देखो 6 6 36, 9 4 36। अब 10 के बाद वाले नंबर के लिए क्या करेंगे? 36 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, 3 2 6। 36 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 8 16। और 36 को 1 से डिवाइड करो, 36, ओके। इससे 60 1 में आएगा, इवन नंबर है तो 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी आएगा। अब देखो उल्टा, चलो 10 6 60, अब 5 को 60 से डिवाइड करो, 5 1 5, 5 2 60। अब 60 को 4 से डिवाइड करो, 15। अब 60 को 3 से डिवाइड करो, 20। 60 को 2 से डिवाइड करो, 30। एंड 60 को 1 से डिवाइड करो, 60, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 1 2 3 4 6 12, ओके। अब ये दोनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन होते ही तो हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1
टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व। अब इसमें एच सी एफ कौन होगा जो सबसे बड़ा, यानी कि ट्वेल्व। ओके, अब आते हैं इसी तरह 42 एंड 70 पे। 42 एंड 70 में पहले 42 के फैक्टर लिखते हैं। इसी तरह से हम 42 का फैक्टर लिखेंगे। 42 किसके में आएगा, 1 2 3 6 7 जा 42 7 6 जा 42। अब उल्टा चलेंगे, 7 6 जा 42। आप 3 को 42 से डिवाइड करो तो 14 आएगा, 42 को 2 से डिवाइड करो तो 21 आएगा, और 42 को 1 से डिवाइड करो तो 42 आएगा। 10 के बाद डिवाइड करना चालू कर देना। 71 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, क्योंकि लास्ट ईयर 0 है। 7 10 जो 70 10 7। अब 10 तक हो गया, अब 10 7 जो 70। अब 5 के टेबल में 70 को डिवाइड करो 14 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करो 35 आएगा, 70 को 1 से डिवाइड करो 70 आएगा। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 फिर 7 फिर 14। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 2 7 14। तो बड़ा कौन सा हुआ, 14। तो एचसीएफ क्या हुआ, 14। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें भी 30 और 50 के कॉमन फैक्टर। तो 30 किसके टर्म में, 1 में। इवन नंबर है तो 2 में भी आएगा। 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 10 3 जा 30। 10 तक निकाल लिया। अब देखो 10 की टेबल में कितने बोलने पर 30 आता है, 10 की टेबल में कितने बोलने पर 30 आता है, 3 बार तो 3 लिखा हुआ है। 6 की टेबल में कितने बोलने पर 30 आता है, 5 बार तो 5 लिखा हुआ है। 5 की टेबल में कितने बोलने पर 30 आता है, 6 बार 6 लिखा हुआ है। 3 के टेबल में कितने बोलने पर आता है, 10 10 लिखा हुआ है। अब 30 को 2 से डिवाइड करो कितना आया, 15। अब 30 को 1 से डिवाइड करो 30। 51 की टेबल में आएगा, इवन नंबर है तो 2 की टेबल में भी आएगा, 3 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा। 10 5 जा 50, अब देखो 10 5 जा 50। अब 50 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करो 25, और 50 को 1 से डिवाइड करो 50। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 5 एंड 10। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 2 5 एंड 10। अब इसमें एच सी एफ क्या है, 10, जो बड़ा है। ओके, अब आते हैं इसके एफ पार्ट में। एफ पार्ट में भी हमने 40 और 60 के फैक्टर लिख देंगे। 40 के फैक्टर 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। 60 के 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से इसमें, 1 2 4 5 10 20। तो कौन कौन से, 1 2 4 5 10 एंड 20। एच सी एफ मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन है, 20। ओके, इसे से इसका जी करेंगे। जी में भी हमें ऐसे ही करना है। 72 और 48 के फैक्टर लिख लिए। 72 1 में आता है, 2 में भी आएगा, इवन नंबर है। 7 और 2 को प्लस किया तो 9, तो 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में, 9 में, 12 में, 18 में, 24 में, 36 में, 72 में। 48 किस में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में, 16 में, 24 में और 48 में। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो कौन कौन से कॉमन है, 1 2 3 4 6 8 12 24 एंड 1। एच सी एफ क्या हुआ, 24, क्योंकि 24 हाईएस्ट है। अब आते हैं इसी तरह इसके एच में। 25 और 90 के फैक्टर लिखेंगे। 25 1 के टेबल में होता है, फिर सीधा 5 5 जा 25। अब 5 10 तक तो आता ही नहीं है, 5 के टेबल में कितने बार होता है, 5 बार, तो 25 को 1 से डिवाइड करो 25 आ जाएगा। 90 किस में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, 9 में, 10 में, 15 में, 18 में, 30 में, 45 में और 90 में। अब दोनों में कॉमन क्या है, 1 5। दोनों में कॉमन क्या है, 1 5। तो एच सी एफ क्या हुआ, 5। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1।